हेलो एवरीवन, इंस्ट्रूमेंटेशन विद राजेश में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंटी सर्च सिस्टम। तो एंटी सर्च सिस्टम जानने से पहले हम जानेंगे कि ये सर्च सिस्टम क्या होता है। तो सर्च सिस्टम के बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये हम यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में पहले हम बता दें कि कभी भी जो है मोस्टली इसका यूज जो है हम कंप्रेसर सेक्शन में करते हैं कि जब कंप्रेसर कहीं भी हम कंप्रेसर वो करते हैं यूज करते हैं तो वहाँ पे जो है एक अपना मशीनरी सिस्टम के सेफ्टी के लिए और पूरे अपने कंप्रेसर को बचाने के लिए कंप्रेसर के सेफ्टी के पर्पस से मशीन और मैन पावर और लाइन्स का सबका सुरक्षा के लिए हम एंटी सर्च सिस्टम का यूज करते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये कंप्रेसर होता क्या है, उसके लिए चलिए हम लेके चलते हैं कंप्रेसर क्या होता है। देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कंप्रेसर का कि कंप्रेसर आर यूज टू रेज द प्रेशर ऑफ गैस। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर वाइडली वेरी वाइडली यूज इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंडस्ट्री। फॉलोइंग आर द रीजन बाय विच वी यूज कंप्रेसर इन, ठीक है, पीडीओ। तो ये कंप्रेसर का हम क्यों यूज करते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं कि व्हेन अ गैस इज सेपरेटेड इन बल्क सेपरेटर द गैस प्रेशर इज ऑब्टेन टू मीट द प्रोसेस रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग। जब भी जो है हम गैस सेपरेशन से जो है गैस को अलग करते हैं तो उसका प्रेशर बहुत लो होता है। उस केस में हमें क्या करना होता है कि उसका प्रेशर मतलब प्रोसेस में यूज करने के लिए उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, कंप्रेसर का यूज करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि फॉर हैंडलिंग थ्रू पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। जैसे जो है जो भी हम अपने वहाँ जैसे गेल वगैरह की गैस सप्लाई होती है तो जो नॉर्मली जब गैस सेपरेशन हो जाता है तो उसके बाद उसमें उतना प्रेशर नहीं रहता है कि हम एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रांसफ़र कर सकें, तो इसलिए हम वहाँ जो है ना कंप्रेसर का यूज़ करते हैं ताकि उसमें हाई प्रेशर जनरेट करके और फिर उसको जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र किया जा सके। दूसरा है कि हाई प्रेशर गैस इज नीडेड फॉर गैस लिफ्ट और गैस इंजेक्शन पर्पज। जैसे कभी जो है लाइन हमारा जो रहता है कि कहीं देखते हैं कि जब दूर तक ले जाया जाता है पाइपलाइन को तो वहाँ उसमें बैंड होता है यू शेप का या वी शेप का, मतलब ऐसे मतलब शेप दे करके दिया जाता है। तो वहाँ जो है अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो हमारा गैस जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा नहीं। और दूसरा कि कहीं अगर इंजेक्ट करना है किसी सर्टन प्रेशर पे तो अगर हमारे पास उतना प्रेशर नहीं रहेगा तो हमारा गैस जो है इंजेक्ट नहीं हो जाएगा होगा। तो इस वजह से हम क्या है कि कंप्रेसर का यूज करते हैं। दूसरा दिया है कि देयरफॉर द गैस आफ्टर सेपरेशन नीड टू बी कंप्रेस टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये कह रहा है कि इसलिए जो भी हम सेपरेशन गैस सेपरेशन के बाद कहीं भी जो उस गैस का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उस गैस को कंप्रेस्ड करके हाई प्रेशर दे करके ही कहीं हम उसका यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये कंप्रेसर का यूज क्यों करना पड़ता है हमको। अब आएंगे कि ये कंप्रेसर में सर्ज क्या होता है और सर्ज से क्या नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है। यदि लिखा हुआ है कि द कंडीशन एट विच देर इज नो फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द गैस थ्रू द कंप्रेसर एंड द रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑकर्स। मतलब कि जो है द कंडीशन एट विच देर इज नो फॉरवर्ड फ्लो, हमने जैसे गैस को इन किया कंप्रेसर में एक मान लीजिए 2 kg प्रेशर के हिसाब से, फिर वो कंप्रेस हुआ है आगे जाके 10 kg प्रेशर बना हुआ है। अगर उस प्रेशर का उस गैस का 10 kg प्रेशर के गैस का अगर हम आगे यूज नहीं करेंगे या कहीं जो भी उसको आगे हमको भेजना है ट्रांसफ़र करना है अगर वहाँ पे जाएगा नहीं, वहाँ पे उसका यूज नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिटर्न होगा। क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न कैसे होगा कि द कंडीशन एट विच मतलब वो कंडीशन, सर्च का कंडीशन बता रहा है कि वो कंडीशन एट विच देर इज नो फॉरवर्ड फ्लो, मतलब कंप्रेसर के डिस्चार्ज से वो आगे नहीं जाता है बल्कि वो डिस्चार्ज से क्या होता है रिटर्न बैक होता है। तो जब हाई प्रेशर से जो है कोई भी गैस जब रिटर्न होगा और वो फिर कहाँ आएगा, कंप्रेसर पे आएगा, उसके इम्पेलर वगैरह पे आएगा, तो क्या होगा उसका मशीनरी सिस्टम डैमेज होगा, रोटर उसका डैमेज होगा,
ठीक है, तो उसी सेफ्टी के लिए जो है हम एंटी सर सिस्टम यूज करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आप द गैस थ्रू द कंप्रेसर एंड द रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑकर्स। तो वही सिचुएशन क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारा जो है जो फ्लो है वो फॉरवर्ड ना होकर के रिवर्स फ्लो शुरू हो जाता है, रिवर्सल फ्लो शुरू होता है। वो क्या होता है, वही पॉइंट हमारा सर्ज पॉइंट होता है। दिस रिवर्सल फ्लो कॉल्ड एज सर्ज, मतलब ये हमारा रिवर्सल फ्लो ही क्या कहलाता है, सर्ज कहलाता है। दिस ऑकर्स विद इन मिली सेकेंड, और ये घटना होने में कितना टाइम लगता है, बहुत मिली सेकेंड में लगता है। इसलिए जो भी जो है ना एंटी सर्ज सिस्टम हम बनाते हैं और उसके ऑपरेशन के लिए जो भी वाल्व यूज करते हैं, उसका ऑपरेशन जो है बहुत ही क्विक फास्ट होना चाहिए, क्विक फास्ट, बहुत फास्ट रैपिडली ओपन क्लोज होना चाहिए। तो उस टाइप के वाल यूज करते हैं। और जनरल ऑपरेशन के केस में चूंकि बैक फ्लो ना हो, इस वजह से हमारा जो है जो उसका लीक जो है हमारा पासिंग का जो है पासिंग का क्लास होगा वो पासिंग का क्लास भी क्लास 5 होना चाहिए, मतलब कि जो एकदम पासिंग होना ही नहीं चाहिए कंप्लीट, उसमें पासिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। ताकि वो अगर पासिंग होगा तो बैक फ्लो जो जो भी हमारा फ्लूड है वो बैक होकर के फिर हमारा कंप्रेसर को जाके इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करें कि सर्ज में, इन सर्ज कंडीशन रैपिडली हाई प्रेशर बिल्डअप इन कंप्रेसर डिस्चार्ज। क्या होता है कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज में, सर्ज के कंडीशन में क्या होता है कि रैपिडली हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, बिल्डअप होता है। और बिल्डअप होने से क्या होगा कि वो प्रेशर अगर हम कहीं ले जाके डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो हमारे कंप्रेसर के रोटर को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसको इसको सॉल्व करने का क्या वो है तरीका है कि टू एलिमिनेट दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू ओपन द एंटी सर्ज वाल्व इन क्विकेस्ट वे। क्या होता है कि एंटी सर्ज, अब इसको इसी को सॉल्व करने के लिए जो हमने एंटी सर्ज सिस्टम लगाया हुआ है और उस सिस्टम में जो हमने वाल्व लगाया हुआ है, ठीक है, उसको क्विकेस्ट वे में, फास्ट वे में, जितना फास्ट हो सके उतने फास्ट वे में क्या करना है कि ओपन करना है, क्विकेस्ट वे में ओपन करना है इंस्टॉल। अब कहाँ वो इंस्टॉल होता है कि जो हमारा एंटी सर्ज वाल्व होता है वो डिस्चार्ज और सक्शन के जो हमारा लूप लाइन होता है उस लाइन के बीच में हम इसको एंटी सर्ज वाल्व को इंस्टॉल किए रहते हैं, और ये हमेशा जो है डिस्चार्ज लाइन के बहुत करीब होता है ताकि इजली तुरंत ही क्या हो जाए हमारा वाल्व ओपन हो जाए। जैसे ऑपरेशन मतलब जैसे इधर हाई प्रेशर बिल्डअप हो तुरंत वाल्व हमारा क्विक ओपन हो और वो डिस्चार्ज होकर के हमारा फिर सक्शन में चला जाए। अब देखिए यहाँ दो तरह के वाल्व यूज कर सकते हैं, आइदर हम ब्लो ऑफ वाल्व यूज करें या रिसाइकल कंट्रोल वाल्व यूज करें। तो ब्लो ऑफ वाल्व में क्या होता है कि हम जो भी हमारा जो भी हमारा फ्लूड होता है वो कॉस्टली होता है और महंगे फ्लूड को जो हम ऐसे ब्लो ऑफ अगर वाल्व यूज कर रहे हैं तो सीधा हमको एटमोसफेयर में वेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ब्लो ऑफ वाल्व का यूज ना करते हुए हम रिसाइकल कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है कि जो भी हमारा डिस्चार्ज से जो भी हाई प्रेशर जनरेट हुआ वो फ्लूड जो है हाई प्रेशर जनरेट होने से जो फ्लूड हमारा यहाँ सर्ज कंडीशन क्रिएट होने वाला है तुरंत ही उस फ्लूड को हम ले लेते हैं, रिसाइकल कंट्रोल को ओपन करते हैं क्विक ओपन करके, और उस फ्लूड को हम फिर क्या कहाँ लेके आ जाते हैं, इसके कंप्रेसर के सेक्शन में लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब एंटी सर्ज सिस्टम के बाद ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि इट इज डिजाइन टू डिटरमाइन द सर्ज कंडीशन। ये किस लिए डिजाइन किया गया है, सर्ज कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा एंटी सर्ज सिस्टम होता है वो सर्ज कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए डिजाइन किया जाता है इन द कंप्रेसर एंड टू ऑपरेट एंटी सर्ज कंट्रोल वाल्व इन अ एफिशिएंट एंड स्पीडी मैनर टू प्रोटेक्ट द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फ्रॉम सर्ज। तो इसका पर्पज क्या होता है एंटी सर्ज सिस्टम का, कि जैसे उसने सर्ज को तो डिटरमाइन कर लिया, सर्ज कंडीशन को डिटरमाइन किया, और डिटरमाइन करने के बाद उस पर एक्शन भी तो लेना है। तो इन द कंप्रेसर
टू ऑपरेट एंटी सर्ज कंट्रोल वाल्व, ठीक है। और ये एंटी सर्ज कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है इन एफिशिएंट, किसमें एफिशिएंट एंड स्पीडी मैनर, फास्ट मैनर में, क्विकेस्ट वे में इसको ओपन करने के लिए लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फ्रॉम द सर्ज, सर्ज से हमारे कंप्रेसर को बचाने के लिए, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एंटी सर्ज कंट्रोल इज टू मेंटेन मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन। इसका मेन पर्पज क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है कि जो भी एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट हो रहा है उस कंडीशन में सक्शन से मिनिमम फ्लो मेंटेन करने का जो है ना जिम्मेदारी किसके पास होती है, एंटी सर्ज सिस्टम के पास। तो वो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में मतलब हाई प्रेशर जनरेशन के केस में जो है वो मेंटेन करता है क्या, मिनिमम फ्लो, ठीक है। और क्या है कि एंटी सर्ज कंट्रोल सक्शन, और देखिए अभी क्या है कि ये कैसे डिटरमाइन करता है, ये जो है एंटी सर्ज कंट्रोलर कैसे सर्ज पॉइंट को डिटरमाइन करता है, उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए होता है, सक्शन का प्रेशर, सक्शन का टेम्परेचर, डिस्चार्ज का प्रेशर और डिस्चार्ज का टेम्परेचर, ये चारों वैल्यू, और इसके साथ साथ सक्शन या डिस्चार्ज का किसी एक का फ्लो रेट, इन सब के थ्रू जो है देखिए ये क्या कर लेता है, इन सब के थ्रू इन सब को मेजर करके और ये डिटरमाइन करता है, कैलकुलेट करके ये निकालता है वो पॉइंट कि एट विच पॉइंट द फ्लो रेट सर्ज कंडीशन विल ऑकर, किस पॉइंट पे जो है हमारा क्या होगा सर्ज कंडीशन की घटना जो है आएगी। तो उससे पहले जो है ये हमारे शेयरिंग साइकिल वाल्व को कमांड दे करके और तुरंत ही जो है सर्ज कंडीशन क्रिएट होने से पहले पहले वो क्विकेस्ट वे में वाल्व को ओपन करता है और जो भी डिस्चार्ज के हाई प्रेशर जनरेशन जनरेट हुए हैं उसको लाके इधर सेक्शन में छोड़ देता है। और फिर वही हम फिर रिपीट, जब इधर का प्रेशर, इधर का फ्लो मिनिमम मेंटेन हो जाता है, फिर हम अपना इस तरह से पूरे मशीनरी सिस्टम को सेफ कर लेते हैं। अभी इसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्यूबिंग के बारे में कि कैसे ट्यूबिंग होती है, ठीक है। तो ट्यूबिंग के बारे में हम वीडियो भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको, एंटी सर्ज कंट्रोल वाल्व के को भी दिखाएंगे, उसके जो भी पार्ट्स हैं उस सब के बारे में भी दिखाएंगे, बताएंगे भी। तो उससे ये रहा ओवरव्यू एंटी सर्ज कंट्रोल सिस्टम का। ऐसे बाकी इसके तो टॉपिक्स बहुत हैं कि कंप्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर क्या होता है, और भी जो अलग अलग टाइप्स के कंप्रेशर है उनके बारे में, एंटी सर्ज कंट्रोलर का क्या कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो है एंटी सर्ज कंट्रोल सिस्टम के बारे में ओवरव्यू मैंने दिया, अब इसके जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों कि पूरा थ्योरी मैंने बताया, अभी हम जो है दिखा रहे हैं कि ये जो मेन हेडर से जो है ना एयर की ट्यूब आ रही है, देखिए लगभग 1 इंच की लाइन है और ये यहाँ से आकर के सीधा AFR में आती है। एंटी सर्ज कंट्रोल वाल्व की ट्यूबिंग हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये मेन एयर हेडर से 1 इंच की ट्यूब आई और AFR से होकर के, फिर AFR से इन्होंने बूस्टर को दिया, वॉल्यूम बूस्टर को, और वॉल्यूम बूस्टर के पहले ही एक ट्यूब आई हुई है, देखिए एक ट्यूब जो आई हुई है ये जा रही है, ये अभी हमको दिखाएंगे, देखिए वो आगे एक तो बूस्टर को गया, बूस्टर से फिर आउटलेट गया और ये इनलेट होकर के इससे पहले ही, इनलेट से पहले ही एक, हाँ उस पहले बूस्टर का देख लीजिए, बूस्टर का ट्यूब आगे जाके ऊपर से और ये सीधा जो है बूस्टर का आउटपुट जा रहा है कहाँ पे, अपने वाल के डायफ्राम के, दोनों डायफ्राम के, ये डबल डायफ्राम है, डायफ्राम दोनों डायफ्राम के इनपुट में जा रहा है, अपर वाले पॉइंट पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये बूस्टर का जो है ये जो इसके यहाँ से आ रहा है SOB के आउटलेट से आ रहा है, वो बूस्टर को इन कर रहा है और ये जो ट्यूब आ रही है ये ऐसे वेंट करने के लिए दिया हुआ है, और फिर ये नीचे जा कर के ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये पोजिशनर के इनपुट को जा रहा है, ठीक है, पोजिशनर के इनपुट को जा रहा है, पोजिशनर का फिर वो जो दो नंबर है वो पोजिशनर का इनपुट है और फिर जो एक नंबर है पोजिशनर का आउट हो रहा है, ठीक है। वो आउटलेट कहाँ जा रहा है, वो आउटलेट आप देखेंगे, वो आउटलेट पोजिशनर का आउटलेट कहाँ आ रहा है,
इसको एसओबी के इनलेट में आ रहा है, एसओबी के इनलेट में, और दो एसओबी जो लगे हुए देखिए दोनों एसओबी को जा रहा है एक साथ, मतलब दोनों एसओबी क्या है पैरेलल में है। फिर एसओबी के इनलेट में जैसे एसओबी को हम एनर्जाइज करेंगे फिर ये एयर पास होकर के इसके थ्रू अपना जो ये लगा हुआ है वाल, ये भी एक तरह का वाल ही है, वाल लगा हुआ है, इस वाल के थ्रू जो है आगे दोनों में से कोई भी एक एसओबी एनर्जाइज होगा तो एक के थ्रू एयर आपका आउट होगा। आउट होने के बाद ये एयर यहाँ से आउट होकर के फिर ये कहाँ जाएगा, बूस्टर को जाएगा, और फिर बूस्टर जो है जो मेन एयर सप्लाई इनपुट को आ रहा है बूस्टर के उसके हिसाब से उसका आउटपुट जब जब इससे यहाँ से हम कमांड देंगे तो आउट होगा। आउट होने के बाद फिर जो है वही आउट बूस्टर का आउटपुट कहाँ जाएगा, हमारे डायफ्राम को जाएगा, एक साथ दोनों डायफ्राम को जाएगा। इस तरह से इसका डिजाइनिंग ट्यूबिंग का जो है डिजाइनिंग है। फिर वही जाके आगे देखिए ये दो अलग से लगे हुए हैं, और इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मली तो ये वाल क्लोज ही रहता है एयर फिल के, तो क्लोज रहने का मतलब कि जो है इसको ऑलरेडी डायफ्राम में हम एयर दे के रखते हैं, तो जब एयर फेल होता है तो इन द मीन टाइम एयर को जो है एग्जॉस्ट भी होना है, तो वो ऊपर से ही जो है एग्जॉस्ट के लिए ऐसा डिजाइन बनाया गया है कि जो एयर एग्जॉस्ट हो। फिर ट्यूबिंग में आपको दिखा रहा हूँ जो अलग से ट्यूबिंग दिया हुआ है ऊपर की तरफ, और देखिए ये दोनों हमारे उसमें लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ये वाल का दिखा रहा है आपको, दोनों में से कोई दोनों में से इनपुट जाएगा और एक आउट होके निकल जाएगा। ये देखिए अभी ये आपको, हम आपको जो है पूरा एक जो वाल हमारा जो चेंज होने वाला था क्योंकि उस वाल में प्रॉब्लम आया था, उसका जो है जो वो था एक कैलिब्रेशन नहीं ले रहा था, तो हम लोग जो है वाल भी चेंज करने के प्लान में थे, तो ये नया वाल ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन उसने वो उसका कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गया, उसमें एरर आ रहा था 3% का, तो उसको हम लोग चेंज करने के प्लान में थे, अभी वो सही हो गया, तो हम इसको ऐसे स्पेयर में रखे हुए हैं। देखिए वो हमारा जो इनपुट सप्लाई है वो आउट हो करके, उसका आउट हो करके कहाँ आएगा, एसओबी के इन में जाएगा, जैसे एसओबी का कमांड देंगे तो फिर जो है ये क्या होगा, हमारा जो है एसओबी को कमांड देंगे तो एसओबी का आउट आउट जो आउटलेट ट्यूब वो आउटलेट होगा वो हमारे उसके थ्रू वाल के थ्रू बूस्टर को चला जाएगा। दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए हाँ ये दो दिया है ना, एक नंबर मतलब एक जैसे आप एरो देखिए एक से एन हो करके दो दो इनपुट हो रहा है और दो नंबर जो है आउटलेट है, ऐसे उसका दिखाया गया। इसका भी देखिए आप जो है क्या होता है कि इन हुआ एक और फिर जो है वो आउट हो जाता है, एरो जो बना हुआ है देख सकते हैं आप लोग, ऐसे इसकी ट्यूबिंग की जाती है। फिर ये जो है प्रेशर वो करने के लिए रिलीज करने के लिए सब डिजाइन लगा हुआ है कि जैसे एयर फेल होने के केसिंग केस में जो है तुरंत हमारा एयर डायफ्राम का एयर रिलीज होगा और उस केस में क्या हो जाएगा हमारा वाल बंद हो जाए ओपन हो जाएगा, क्योंकि एयर फेल ओपन है तो एयर जैसे फेल होगा तो ये हमारा वाल ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए ये हमारा जो है जो लाइन है, लाइन जो CO2 की लाइन है, CO2 की लाइन के बीच लगा हुआ है कंप्रेसर के डिस्चार्ज के जस्ट पास में ही लगा हुआ है, कंप्रेसर उधर कंप्रेसर है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज में ही लगा हुआ है, डिस्चार्ज होकर के ये